शुभहंस दा आप जतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरा में पिया गति को अबुरन जीवन कुड़ा कुड़ी कॉलेज तायोम हो ओलो पढ़ा दो अडी तेगी जरूरा जेमोन उनको दो नुकरी को न्याम दाड़िया प्रतियोगिता परीक्षा होते ते उनको दो नुकरी को न्याम दाड़िया गति को उना लगी नी तो सरकार मीटिंग कुंथा मिना आ जे चिलिका उनको दो प्रतियोगिता परीक्षा ऑल करते चिलिका उनको दो को नुकरी चक्री को न्याम उना लगे सरकार अडियाटे कुरु मुटुईदा तिहिंगुन चला आ पाकुड़ जिला ते आर ओंडे बुन नेला जे चिलिका ओंडेरिन जिला प्रशासन होते ते चिलिका संथाल रेन जुवन कुड़ा कुड़ी दो उनको दो मौका में चिन को न्याम दा जमन उनको दो प्रतियोगिता परीक्षा रिया कु तैयारी दाड़िया आर उना हो बेगोर पैसा तका एम कते दिला तो बे गाती कु बुन चला आ पाकुड़ जिला ते आर ओंडे बुन नेला जे चिलिका जिला प्रशासन उनको ए गोड़वा कु कना संथाली युवक और युवतियों की तैयारी में जिला प्रशासन पाकुड़ का सहयोग एक प्रेरणास्पद उदाहरण है। ये उन्हें अधिक सामर्थ्य और सक्षम बनाए रखने में मदद कर रहा है। इस प्रकार की पहल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान का हिस्सा है। साथियों जोहार, कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मेहुल प्रसाद। साथियों, आज हम आप पहुंचे हैं पाकुड़ में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार जिला प्रशासन पाकुड़ के सहयोग से निशुल्क प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं यहां के संथाली युवक युवतियां। जतो को की जोहार, इन दो ज्योतिका मुर्मू और इन दो पाकुड़ खोई की हिजू कना और नोंडे दो एसएससी रिया तैयारी हुई कना और नोंडे दो जतो रिया की व्यवस्था मिना टीचर को रेना को जतो की पढ़ाई को बेंच को रेना हो जतो की सुविधा मिना और नोंडे दो मैथ इंग्लिश और रीजनिंग और जीएस रिया पढ़ाई हुई कना और नोंडे दो पढ़ा लगी ये फीस हो बांग लगा गना नोंडे पाकुड़ रेन अड़ी मतलब मौका को यमो करना नोंडे आले आले आतुरे ई हिरमपुर प्रखंड रे मिना आले पाकुड़ रे ताय करना पढ़ा लगी और माय ई या तुम करना जिगर कुमार सा और इन नोंडे ताय करना पढ़ाव लगी तो लाहा रे नोंडे कंपटीशन रे तैयारी बा हुई का करना डीसी बिजार बिजार द्वारा नोंडे पढ़ाव की अड़ी मौज सुविधा यमो करना आले आले अड़ी मौज अक्यो करना नोंडे इंग्लिश टीचर ही मैथ टीचर रीजनिंग टीचर जीके जीएस टीचर अड़ी मौज को पढ़ाओ करना आले नुई रे कंटेंट रे आले अड़ी मौज को अक्यो करना आले जिंदगी रे मतलब ट्वेल्व बाद रे आले नोंडे पढ़ाओ करना और कंपटीशन तैयारी अड़ी मौज हुई करना आले जहाँ तक ही बढ़ाए करना जो तो मैथ रीजनिंग इंग्लिश नोंडे नोंडे ना देन करना आले नोंडे ई मतलब अड़ी मौज को करना नोंडे ई मास्टर ई मास्टर रे अड़ी मौज आले पढ़ू मीना। आज पाकुड़ क्षेत्र में जिला प्रशासन द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सहयोग किया जा रहा है, जिससे इन्हें निशुल्क प्रशिक्षण के साथ ही तैयारी के लिए भी निशुल्क जानकारी दी जा रही है। ये पहले तो यहाँ कोई सुविधा ही नहीं थी, एकदम तैयारी के लिए एकदम मैंने आप कह सकते हैं कि शून्य था। यहाँ कंपटीशन लेवल का तैयारी कुछ नहीं था। यहाँ का बच्चा पटना भागलपुर ऐसे ही तैयारी करने के लिए तरह तरह के जगह जाया करता था। अधिकतर हमारे साथीगण भी गए हैं बहुत। तो ये जो बीजीआर द्वारा और माने पाकुड़ प्रशासन द्वारा जो किया गया ये पहल, ये बहुत ही लाभकारी होगा पाकुड़ के लिए। और ज़रूर से ज़रूर जैसा हम लोग को फैकल्टी मिला है, धनबाद का बेस्ट फैकल्टी है, बहुत ही अच्छा टीचर हैं, रीजनिंग के आप बोलिए, जीएस के बोलिए, आप मैथ के बोलिए चाहे इंग्लिश के बोलिए। और मेरा मानना है कि ऐसा फैकल्टी शायद ही अभी था इधर, इधर तो अगल बगल में था ही नहीं। और इस फैकल्टी से ज़रूर होगा, ये हम बच्चों का भी निर्णय है। और हमने ये एक इंट्रेंस के थ्रू पास किया है और लगभग 800 बच्चे एग्ज़ाम दिए थे, उसमें से 100 बच्चों का यही हुआ है, चयन हुआ है। तो इसमें से कहा जा सकता है कि 800 में से कुछ हम लोग आगे थे उनसे, जिसके कारण कि हम लोग इसमें सिलेक्शन लिए और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे प्रतियोगिता में अपने आप को सफल बनाए, ज़िंदगी को सफल बनाए। इंजा सुहान टूडू, इन तो फिलहाल बी एड चला
आर इन दो महेशपुर प्रखंड पाकुड़ जिला रेन कने इन दो AW हॉस्टल नंबर एक रेन तहन कना तबे कथा हुयुग कना इंडर एकेडमिक रिना नुआ रे एडमिशन लगी दो एट फर्स्ट एंट्रेंस एग्जाम हुई लेना एंट्रेंस एग्जाम रे 800 लगभग स्टूडेंट को पार्टिसिपेट था ओना रे इन 55 स्थान रे हेना दो अडी खुशी ना कथा कना ये नोडे जाय हे कान सिलेक्शन केते कहीं ना कहीं उन्हीं अडी लटू अफसर एग्जाम करा लहा से चलाना चिदा ते जो तो होड़ नुआ अफसर बाकु एग्जाम दा आर कथा हुयुग कना सुविधा रना नोडे BGR हो या सरकार नोडे फ्री ते किताबे एमोग कना प्लस फ्री ते पढ़ाई हुयुग कना आर सराव कुछ महासोय जे धनबाद गई कुहे कना जो तो सब्जेक्ट रेन इंग्लिश रेन मैथमेटिक्स रेन रीजनिंग रेन जीके जीस रेन अडी खोले दिल तुको पढ़ा लिया असो जो तो गिदरगी महासोय ते कंधा से कंधा मिलो के ते आरो ला से तड़ामना कुरुमटो हुआ आर जो तो बुन बढ़ाया गया ते पाकुड़ जिला झारखंड ना जो तो को पिछड़ा जिला ना हो सकता है सरकार या BGR उना ध्यान एम के ते नोडे अबु सपोर्ट का बुना चिदा ते उनी बढ़ाया झारखंड ना सबसे पिछड़ा जिला पाकुड़ कना आदो इन जो तो हटे नेहरा जे पाकुड़ जिला विकास लगी या शिक्षा स्तर बढ़ा लगी जो तो हर 100% सपोर्ट बुने इस क्षेत्र में ज्यादातर गरीब तबके के बच्चे हैं जिन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है और कभी कभी पैसे के अभाव में पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ जाती है लेकिन अब इनके जीवन में बदलाव आया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं BGR से हूँ। यहाँ पे हम लोग को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला है इस पाकुड़ क्षेत्र में कि हम लोग को कभी ये मतलब कि कंपटीशन क्या होता है हम लोग को समझ नहीं आता था, लेकिन जब से BGR हम लोग को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिया गया है तो हमें पता चला कि रियल कंपटीशन क्या होता है। और यहाँ पे ऐसा इन्वायरमेंट भी है जहाँ पे सारे स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे से विजुअलाइज कर सक रहे हैं, एनालाइज कर सक रहे हैं कि हाँ रियल कॉम्पिटिशन क्या होता है। और जो हमारे टीचर है, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो मैथ्स के हो, या फिर इंग्लिश के हो, या फिर GK GS के हो, वे हमें हर तरह से प्रोवाइड करते हैं। हर मतलब कि नोट्स देना हो या फिर कुछ भी डाउट हो, वो बहुत ही अच्छे से हम लोग को क्लियर करते हैं हमारे डाउट्स को भी, और एक्स्ट्रा टाइम दे के भी वो हम लोग को पढ़ाते हैं। अभी मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रही हूँ जी। ये लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी, जैसे कि मेरा खुद का ये है कि मेरे पापा मेरे को बाहर जाने देते नहीं थे, लेकिन जब BGR आया तो मुझे एक ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं यहाँ पे आके अपना जो मेरा सपना है वो मैं पूरा कर सक रही हूँ। मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ अब मेरे से हो पा रहा है, जो मेरा सपना था कि हम बाहर जाके पढ़ेंगे तो ये चीज़ मेरा पाकुड़ में ही रह के हो रहा है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही चेंजेस आ चुका है। मतलब मैं कभी भी फेस नहीं की थी जो एग्ज़ाम, मैं सोचती थी कि मैं भी एग्ज़ाम में जाके बैठूंगी, लेकिन अभी ऐसा हो गया कि मैंने अभी SBI क्लर्क एग्ज़ाम प्रीलिम्स को दिया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्लियर कर लूँगी। ये संस्थान खुलने के बाद मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा हुआ उन बच्चों के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हुआ करती थी और वो लोग बाहर नहीं जा पाते थे, पटना, भागलपुर, रांची, कोई दूसरे शहर जाकर के नहीं पढ़ पाते थे। और ये खुलने के बाद से सारे बच्चे जो भी एलिजिबल थे, जिनको कॉम्पिटिशन का तैयारी करना था, वो सारे यहाँ पर अभी सिलेक्टेड हुए हैं और वो सारे ही काफ़ी मेहनत से और काफ़ी लगन से अभी यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। सर लोग भी काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी अच्छे, काफ़ी हेल्पफुल हैं। वो सारे सब्जेक्ट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, जो भी डाउट्स वगैरह हमें होते हैं वो सारे हमें एक्स्ट्रा टाइम दे कर बताते हैं। और रहा बात बुक्स वगैरह का, तो हम लोग हर बुक नहीं खरीद सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि काफ़ी बुक काफ़ी महंगे आते हैं, तो यहाँ पे वो बुक्स भी हमें प्रोवाइड की कर दी जाती है। और लड़कियों के लिए तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि लड़कियों को स्पेशली बाहर नहीं भेजा जाता है इन सब कारण की वजह से। हाँ बिल्कुल, हद तक रुकने का काम किया है। अगर ये संस्थान खुलने के बाद अगर कुछ बच्चों के सिलेक्शंस हो जाते हैं और कुछ बच्चे आगे मुकाम तक पहुंच सकते हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा प्लान रहेगा कि बच्चे अब बाहर जा कर नहीं पढ़ेंगे, अपने ही पाकुड़ ज़िले को और आगे बढ़ाएंगे और अपने ही पाकुड़ ज़िले से काफ़ी सारे बच्चे सिलेक्टेड होंगे। बहुत सारा थैंक यू कि इतने अच्छे से हमें ये संस्थान को दिया, वो भी फ्री एजुकेशन दिया, फ्री बुक्स दिए, इतने अच्छे टीचर्स दिए, इन सब के लिए उनको। निःशुल्क शिक्षा के साथ ही अध्ययन सामग्री भी यहाँ के छात्रों को मुहैया कराया जा रहा है, जिससे कि ये बेहतर तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकें और बेहतर परिणाम हासिल कर सकें। मैं विकास तिवारी,
इस इंडेवर एकेडमी को फैकल्टी देने वाले संस्थान मेरा जो धनबाद में रेडी है, career.com ऑलरेडी वहाँ से 20 सालों से चल रहा है, उसी के तत्वाधान मैं अपना फैकल्टी यहाँ प्रोवाइड करता हूँ और मैं खुद यहाँ पे क्लास लेने के लिए आता हूँ। देखिए, सबसे पहला बात है कि हम झारखंड के जितने भी ज़िले हैं उस ज़िले में पाकुड़ जो है शिक्षा व्यवस्था में बहुत नीचे स्तर पर है, और उस स्तर को उठाने के लिए खास करके सरकारी नौकरियों में बच्चों का सिलेक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे पलायन की स्थिति बहुत ज़बरदस्त है। और शिक्षा का उद्देश्य जो है वह मुख्य उद्देश्य होता है, कोई भी समाज एक मिडिल फैमिली का बच्चे को अगर देखा जाए तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि उसको रोजी रोटी के साथ जोड़ा जाए, और रोजी रोटी तभी संभव होगा जब उसे किसी न किसी रूप में सरकारी जॉब मिले। और इस उद्देश्य को लेकर पाकुड़ प्रशासन और VGR ने एक संयुक्त तत्वाधान के कार्यक्रम आयोजित किया कि यहाँ के पलायन को रोकने के लिए और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए और यहाँ के युवाओं को रोजगार को डायरेक्ट जोड़ने के लिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट का, एक ऐसा कोचिंग संस्थान का नींव रखा जाए जो आने वाले भविष्यों में यहाँ के बच्चे को सरकारी नौकरी तक पहुँचाने में अपना योगदान दे। इसी उद्देश्य को लेकर जिला प्रशासन पाकुड़ ने ये बहुत ही बड़ा कदम, हम बोलेंगे पूरे झारखंड में ये एक ऐसा ज़िला होगा जहाँ पे निःशुल्क प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए जिला प्रशासन सजग थे, और हमारे DC साहब, VGR के जितने भी पदाधिकारी थे उन लोगों को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि इन्होंने जमीनी स्तर से बच्चों को ऊपर उठाने के लिए अपना योगदान देने, अपना प्रयास किए। जिला प्रशासन द्वारा ये पहल न केवल युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि समाज के स्तर पर भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस तरह की पहल समृद्धि और सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ाती है। देखिए, सबसे बड़ा बात है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब माइंड पे ये सेट हो जाता है कि एक सरकारी द्वारा संचालित ये प्रोग्राम है तो उसमें बहुत तरह की कोताहियाँ दिखने को मिलती है, जिसके कारण हम लोग देखते हैं शिक्षा का स्तर गिरने का मुख्य कारण यही होता है कि माइंड पे सेट हो जाता है कि सरकारी चीज़ें। लेकिन ये संस्थान सरकारी होते हुए भी पूरी तरह से जितने भी बच्चों की शिक्षा संबंधी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी होती है, जो जो चीज़ें चाहिए सारी सुविधाएँ बच्चों को मुफ्त में मिलती है, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, चाहे वो आपका जाके फ्री में इन लोगों का टेस्ट हो, पढ़ाई हो, ड्रेस हो, बैग हो, सारे चीज़ें इन लोगों को फ्री। देखिए, सबसे पहले मैं 20 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में हूँ और मैं 20 सालों से इस क्षेत्र में सेवा दे रहा हूँ, और मेरे किसी भी भारत सरकार या झारखंड सरकार के किसी भी पद पे बोला जाए तो मेरे बच्चे सिलेक्शन किए हुए हैं। रही बात पाकुड़ का, तो मैं अपने पर्सनल मैं यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पाकुड़ में बच्चे का सिलेक्शन हो, और जिस दिन से यहाँ सिलेक्शन शुरू हो गया उस दिन से पाकुड़ के साथ साथ मेरा भी एक नाम बनेगा, एक अच्छा फील होगा, और उसके साथ ही हम आगे सोचेंगे कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए कि इस तरह के क्षेत्र से भी बच्चे को शिक्षा दे के साथ उसको रोजगार में जोड़े। और मैं आप लोगों को यकीन कर दिलाना चाहता हूँ कि यार ये बोलना है कि हम लोगों ने ये शुरुआत कर दी है, हमारे सिलेक्शन में 2-3 बच्चे जैसे एक सेल में गए हैं, एक दुर्योधन कुमार जो है रेलवे में गए हैं, तो रिजल्ट आना शुरू हो चुका है। अब ये जिला प्रशासन और VGR को ये कहाँ तक ले जाना है ये उन पर डिपेंड करता है, और हम लोग उसमें हमेशा तत्पर है, सतत प्रयास मेरा रहेगा कि हर बच्चे का सिलेक्शन यहाँ से हो। ऐसी पहल समाज को सशक्त और समृद्ध बनाने में मदद करती है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देती है। इस तरह के सामाजिक उत्थान के लिए साझेदारी और समर्थन अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि देखते हैं कि पाकुड़ में अगर एडुकेशन का जो परफॉर्मेंस है तो अगर कंपेयर किया जाए पूरा स्टेट से तो नीचे लेवल से काउंट होता है इसका, और उसका एक बहुत बड़ा चीज़ है कि जो इसका जो युवा है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें बहुत कम पाया जाता था। तो इसी के मद्देनज़र हम लोग देखते थे कि बहुत सारा बच्चा इधर से पढ़ाई के लिए बाहर चला जाता है, मेनली जो JEE एंट्रेंस का एग्ज़ाम के लिए वो लोग कोटा या बाहर चला जाता था, और अच्छे पढ़ाई के लिए भी बाहर जा रहा था, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा था या तो अपने लेवल में कर रहा था या तो बाहर जाके उसका पढ़ाई करके उसका कंप्लीट कर रहा था।
तो इसी के मद्देनज़र हम लोग का लास्ट ईयर देख रहे थे, इसका पॉसिबिलिटीज़ को जब हम लोग ढूंढ रहे थे तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट CSR कमेटी है उससे इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया था। और ऐसा एक BGR एक ग्रुप है जिसका फंड से इस धनबाद का एक निजी संस्था के साथ इसका टाई अप करके इस संस्था का शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि पाकुड़ का जो युवा है इधर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के तैयारी इधर ही करे, जो जनरल एग्ज़ाम होता है जैसे PO बैंक, रेल क्लर्क, ग्रुप DC, इस टाइप का जो प्रिपरेशन जो है वो पाकुड़ में ही किया जा सकता है। और नंबर टू है कि पाकुड़ का जो युवा के बीच में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी बड़ा चीज़ होता है कि जो मेंटल टेम्परमेंट है उस चीज़ों का तैयारी करवाया जाए। तो मुझे लगता है उसके लिए जिला प्रशासन ने सोचा था कि जो इस ज़िले का जो CSR का पैसा है पर्टिकुलरली इसी क्षेत्र में इसको खर्चा किया जाए। संदेश यही है कि इस एकेडमी तो एक शुरुआत है, आने वाले दिनों में हम लोग ऐसा बहुत सारा कोशिश कर रहे हैं और पर्टिकुलरली इस एकेडमी का जो बच्चा है हम लोगों का उम्मीद है जो बच्चा जिस क्षेत्र से बिलोंग करता है अगर वो बच्चा सक्सेस हो जाएगा तो उस क्षेत्र के लिए भी एक माइलस्टोन बनेगा और उसको देखते हुए बाकी आगे का बच्चा भी निकल के आएगा। गतिकू नीतो को नेल के दा जो चेलिका पाकुर जिला लेन दो जुवन कुड़ा कुड़ी दो उनको जिला प्रशासन से खान चेलिका उनको दो गोड़ो को नामे कना और उनको दो अकुआ प्रतियोगिता परीक्षा लगे मौज ते कुछ सपड़ा दाड़े कना उना हो बेगोर पैसा टका एम करते दिला तो बे नीतो आर हो बुन नेला पाकुर जिला रे जो चेलिका प्रशासन दो जुवन कुड़ा कुड़ी गोड़ो वकु कना जेमोन उनको दो खेल कूद से कु लहा इदी दाड़े गतिकू अब बुन नेल दा जो चेलिका जिला प्रशासन दो उनको खेल कूद रिया सनम जिनिस उनको को इमा उकु कना जेमोन अब वो क्षेत्र रे होर दो संथाल जुबन कुड़ा कुड़ी दो जेमोन खेल कूद रे हो कु लहा दाड़िया दिला तो बुन चला आ पाकुड़ जिला ते आ नुवा बारे ते आ हो मस्त बुन बढ़ाया। जोहार दोस्तों, कार्यक्रम संथाल डायरीज के नए में मैं सागर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं जिला पाकुड़, जहां हम बात करने जा रहे हैं यहां के युवाओं से जो यहाँ जिला प्रशासन के सहयोग के द्वारा खेल सुविधाओं का लाभ उठा पा रहे हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। जहाँ एक तरफ आपने देखा किस तरह पाकुड़ जिला में प्रशासन द्वारा यहाँ के युवक युवतियों की प्रतियोगिता परीक्षा में सहयोग किया जा रहा है जिससे वो जीवन में अपने लक्ष्य को पा सकें, उसी तरह इन्हें खेल सुविधाओं का भी लाभ जिला प्रशासन की तरफ से मिल रहा है। काफी टाइम से यहाँ पे मैं सीख रहा हूँ। यहाँ पे ये कैंप BGR माइनिंग इंफ्रा लिमिटेड और पाकुड़ जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे सर राहुल सर हमें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी भी चीज़ें की हमें ज़रूरत है सब कुछ हमें दिए जा रही है, हर चीज़ हमारे लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे कोच रानू सर और लाला सर पूरी मेहनत से सिखा रहे हैं हमें, हर अपना टाइम दे रहे हैं, अपना कीमती टाइम हमें दे रहे हैं। हमारे जूनियर कोच पिंकू सर और प्रीतम भैया भी हम लोग को सारा सपोर्ट दे रहे हैं, पूरा टाइम दे रहे हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं। जी नहीं, हमें जिला प्रशासन के द्वारा भी सब कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है और हमारा जो खुद का सामान है वो भी यहाँ पे ही रखते हैं हम लोग, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। बाकी जिला प्रशासन ने हमें बैट, नेट्स, मशीन किट्स, विकेट्स, बाकी सब कुछ, मैट्स वगैरह सब कुछ प्रदान किया है और ग्राउंड में टर्फ पिच का निर्माण भी कराया और यहाँ पे ग्राउंड में घास उपलब्ध हो जाए इसकी भी तैयारी चल रही है। पाकुड़ में क्रिकेट सीखना काफ़ी पसंद आता है मुझे, क्योंकि जितने कम कॉस्ट में यहाँ पे क्रिकेट सिखाया जाता है शायद या कहीं भी नहीं उपलब्ध हो, बच्चे अच्छे सीख पा रहे। इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे यहाँ के खेल कुल पदाधिकारी जो राहुल सर हैं उनका देन है ये एकेडमी, ठीक है, और DC सर वो लोग मिल के इसको किए हैं और मुझे हेड कोच पे रखे हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चों को अच्छे से अच्छा प्रशिक्षण दूँ। अभी तक मैंने अच्छा अपनी तरफ से किया है, बच्चे अच्छे कर रहे हैं, सारा कुछ, बैटिंग, फील्डिंग, बॉलिंग, हरा क्रिकेट का सारा स्किल। अभी तो ये आपका 8 से 9 महीना हुआ है और ये सेशन अभी चालू हुआ है क्रिकेट का, तो अभी तक स्टेट लेवल पर कुछ टूर्नामेंट नहीं हुआ है, वो अब से चालू होगा। 14 हुआ, 19 हुआ, 16 हुआ और सीनियर, तो अब से जाएंगे तो उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट सेशन में देखने को मिले। झारखंड में क्रिकेट अभी बहुत ही अच्छा लेवल पे चला गया है। अब देखने को देखिए हमारे 3-3 झारखंड के खिलाड़ी IPL में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, और बहुत ही अच्छे लेवल पे झारखंड, इसमें आपका माही भैया का बहुत बड़ा योगदान है, महेंद्र सिंह धोनी भैया। जिला में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के युवक युवतियों के लिए ये सहयोग वरदान की तरह साबित हो रहा है। पहाड़ों और जंगलों में जीवन यापन करने वाले आर्थिक रूप से
कमजोर ग्रामीणों के बच्चे हुनरमंद बच्चों के हुनर को बढ़ने में जिला प्रशासन द्वारा इन्हें लाभ मिल रहा है। मैं इस कैंप में तकरीबन एक साल से सीख रहा हूँ। यहाँ हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिल रही है। हमारा हर संडे एक मैच आयोजित होता है जिसमें सारे प्लेयर्स को मौका मिलता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। हम लोग यहाँ पे बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारा कुछ दिन पहले एक टूर्नामेंट हुआ था जिसके लिए हमने एस्ट्रोटर्फ पे प्रैक्टिस की थी। उससे हम लोग को गेंद का उछाल सारी चीज़ों के बारे में पता चला था। मैं ऑलराउंडर हूँ। हाँ, मैं संतुष्ट हूँ। यहाँ पर कोयला कंपनी BGR के द्वारा ये कैंप, हाँ VR खोली, बैटिंग करते हैं। बहुत सारी चीज़ सिखाया जाता है, बहुत सारे शॉट्स, डिफेंस, सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ सबसे कम कॉस्ट में यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। यहाँ सबसे अच्छा, यहाँ सबसे बेस्ट कैंप होता है, जिससे इन्हें भी खेल के क्षेत्र में आगे बढ़े और कामयाबी मिल पाए, साथ ही भविष्य को भी संवार पाए। शिक्षा के साथ साथ आज खेल का भी जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके लिए यहाँ के युवाओं को भी खेल से जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मेरे और भी दी हैं, वो लोग बाहर में भी गई है खेलने के लिए। तो अभी हम मतलब कि अकेले भी खेल रहे हैं। इसमें बहुत सारे सुविधा हैं, जैसे कि अभी मैट दिए गए हैं, अभी हमारे राहुल सर मैट दिए हैं, और भी बहुत सारी कौन सब कुछ दिए हैं, सारी सुविधा है। सभी तो कुछ मिलता ही है, जैसे हम लोग को टी शर्ट मिला, सबको कपड़ा भी मिला है, उसी टाइप का सबको ही मिलता है सब कुछ। इस साल खेल के आए थे, फर्स्ट प्राइज मारे, रांची SG5 खेल के आए, स्कूल को फर्स्ट प्राइज दिला गया। कुछ नहीं, हम लोग का सर सिर्फ ऐसे बने रहे बस। सबसे पहले बच्चे को यहाँ आने से पहले उनको अपना बॉडी वार्म अप करना पड़ता है। बॉडी वार्म अप के बाद थोड़ा सा टेक्निक उन लोगों को अपने मैट में करना पड़ता है। उसके बाद दो ग्रुपों में हम लोग उसको बांट देते हैं, दो ग्रुपों में आपस में मैच खेलवाते हैं, जिससे बहुत सारे टेक्निक वगैरह, हैंड टच जैसे होता है, टो टच होता है, बैक टो टच होता है, फ्रंट हैंड टच होता है, साइड हैंड टच होता है, बहुत तरह का इस तरह का टेक्निक उसमें होता है, जिसके खेलने से उसको पहले हम लोग वार्म अप के थ्रू ही बताते हैं कि आपको हैंड टच इस तरह मारना है या टो टच इस तरह मारना है। जिला प्रशासन से हम लोगों को मतलब उम्मीद से ज़्यादा हम लोगों को मिला। जैसे हमारे पास आज एक मैट है, हमारा दो मैट ऑलरेडी रखा हुआ है हमारे रूम पर। का भी इवेंट का कौन वगैरह जो भी है, सारा जिला प्रशासन के थ्रू हम लोगों को मदद मिलते रहा है, और आगे भी सर बोले हम लोगों को मिलते रहेगा। जिससे पैसे के अभाव में ये खेल से दूर ना हो, बल्कि अपने हुनर को और निखार सकें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ अपना और अपने प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। नहीं, पाकुड़ में जो है जिला प्रशासन की तरफ से प्लस BGR कंपनी की तरफ से, BR इंफ्रा की तरफ से काफ़ी यहाँ सुविधाएँ बच्चों के खेलने के लिए, जो भी उनके तरह के द्वारा इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, जो भी उनके तरह चाहे वो फील्ड को लेके हो या बच्चों के कपड़ों को लेके हो या उनके इंस्ट्रूमेंट को लेके हो, काफ़ी सुख सुविधाएं दी गई हैं, जिससे बच्चे काफ़ी प्रभावित भी हुए और खुश भी हैं। इनको बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से इन्हें कई सुविधाएँ मुहैया कराई जा रही हैं। जिला प्रशासन जितना भी संभव हो सके सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। पहले यहाँ पर किसी भी प्रकार का सुविधा उपलब्ध नहीं था, ट्रेनिंग के लिए अच्छे कोच नहीं थे। जिला प्रशासन के द्वारा ही पाकुड़ स्पोर्ट्स एकेडमी का स्थापना किया गया। यहाँ पर क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, एथलेटिक्स का ट्रेनिंग दिया जाता है। साथ ही हमारे विभाग के द्वारा यहाँ पर फुटबॉल का रेसिडेंशियल ट्रेनिंग का स्थापना किया गया है, और वॉलीबॉल और कबड्डी का भी डे बोर्डिंग ट्रेनिंग सेंटर का स्थापना किया गया है। यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी आते हैं सभी खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही जितने भी इक्विपमेंट्स है वो सारा सामान जो है जिला प्रशासन के द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। अभी हाल ही में इन लोगों को बैट, क्रिकेट से रिलेटेड जितना भी उनका इक्विपमेंट था, चाहे वो बैट हो, बॉल हो, विकेट हो, बॉलिंग मशीन हो, सारा फैसिलिटी उनको उपलब्ध कराया गया। साथ ही साथ हमारा यहाँ पर दो दो टर्फ प्रैक्टिस विकेट, एक सीमेंटेड विकेट और एक ग्राउंड में दो टर्फ विकेट का भी बनाया गया है, ताकि बच्चे पाकुड़ के लाभान्वित हो सके और ऊँचे स्तर पर खेल सके।
जी अभी आप देख पा रहे होंगे कि कबड्डी का भी प्रैक्टिस बच्चे कर रहे हैं, और अब पहले बच्चों का मतलब शिकायत रहता था कि सर हम लोग बाहर जब खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर मैच सिंथेटिक मैट पर आयोजित किया जाता है, और साथ ही जब से प्रो कबड्डी आया है तो हर चीज़ अब मैट पर हो गया है, तो बच्चों का डिमांड था तो जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें सिंथेटिक मैट शू टी शर्ट पैंट वगैरह सारा फैसिलिटी उपलब्ध कराया गया, और वो हर दिन आकर यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। गाती को तीना कार्यक्रम रे आबुदबु नेल के दा जो चेलिका पाकुड़ जिला रे जिला प्रशासन होते ते चेलिका संथाल जुबन कुड़ा कुड़ी दो ओलो पढ़ा रे सरकार से खुन गोड़ो को नामे खना उनको दो प्रतियोगिता परीक्षा रिया मोस ते को सपड़ा दाड़िया खना उना हा बेगोर पैसा टका एम करते আর ওনা সাথে নেল কিদা যে চেলিকা খেল কুদ রে ক্ষেত্র রে হো জেলা প্রশাসন দো জুবন কুড়া কুড়িয়ে গড়ো অকু কনা আর এমা লিখা সুবিধা উঙ্কু দুকু এমা অকু কনা ওনা সাথে কি গাতি কু তিনা কার্যক্রম রে যোজনা বাবুতে লেপেয়া উকা দো কনা গাতি কু নোয়া যোজনা হতে তে সরকারে কুরুমুটু ইদা যেমন বিপিএল ঘারঞ্জ রেন হর দো আপনা রা মিটন উড়া কু বিনা দাড়িয়া ওনা সাথে গাতি কু তিনা কার্যক্রম রে দো ইনগি আপে যত কু ঠেন দিদেন খোজো কনা জোহার। Thank you.